हेलो गाइज एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का हूं पुनीत और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्री पॉइंट लाइटिंग टेक्निक के बारे में कि कैसे आप अपने सेट पे किसी भी जगह पे वीडियो शूट कर रहे हो चाहे आप इंटरव्यू शूट कर रहे हो या किसी भी टाइप का सिनेमैटिक टोनालिटी अपने फुटज में ऐड करना चाहते हो इन दैट सिचुएशन थ्री पॉइंट लाइटिंग ना एक कॉमन लाइटिंग सेटअप है जो कि बहुत ज़्यादा आपकी फुटेज को सिनेमैटिक दिखाता है और आज की वीडियो में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एक रीसेंट म्यूजिक वीडियो जो मैंने किया था जिसमें थ्री पॉइंट लाइटिंग का यूज़ किया था उस म्यूजिक वीडियो को और उस वीडियो म्यूजिक वीडियो के सेटअप को क्रिएट करने में तो स्टार्ट करते हैं बिना गवाए चलिए शुरू करते हैं गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड सो थ्री पॉइंट लाइटिंग ना एक बहुत ही कॉमन लाइटिंग सेटअप है जो कि मेजोरिटी टाइम पे ना हर एक फिल्म मेकर अपने वीडियो प्रोडक्शन में करना पसंद करता है इवन अगर आप इस लाइटिंग सेटअप को देख लें जो मेरा भी करंट लाइटिंग सेटअप है जहां मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे भी मैंने थ्री पॉइंट लाइटिंग को यूज़ किया है थ्री पॉइंट लाइटिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप थ्री पॉइंट लाइटिंग अगर अपने वीडियो शूटिंग के टाइम पर अपने सेटअप में करते हैं चाहे आप इंटरव्यू शूट करें चाहे आप कोई म्यूजिक वीडियो करने वाले हो या कोई भी सॉर्ट ऑफ वीडियो आप करने वाले हो वहाँ पे अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी फ़ुटेज में एक बहुत अच्छा लुक बनता है जो कि काफ़ी सिनेमैटिक और प्रोफेशनल नज़र आता है साथ ही साथ में क्योंकि थ्री पॉइंट लाइटिंग का पर्पस ये है कि जो फ्रेमिंग आपने की है उसमें एक थ्री डायमेंशनल स्पेस को क्रिएट करती है वो फ्रेमिंग और वो हमारी आइस को एज एन ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा पसंद आती है थ्री पॉइंट लाइटिंग सेटअप करना बहुत ईजी है आपको जैसे कि साउंड करता है पॉइंट लाइटिंग का मतलब है यू रिक्वायर थ्री लाइट्स जिसमें सबसे पहले लाइट होती है की लाइट हम लोग वीडियो शूट करते टाइम पे सबसे पहले की लाइट सब्जेक्ट के फेस पे डालते हैं की लाइट हमेशा आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल लाइट होती है आपके सेटअप में जो कि सब्जेक्ट के ऊपर 40 डिग्री के एंगल पे दी जाती है ये जो लाइट है ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो जनरली जब हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री मूवी इंटरव्यूज इस टाइप का कुछ का काम करते हैं तो दैट टाइम पे वी ट्राई टू मेक दिस लाइट एज सॉफ्ट एज पॉसिबल जो वीडियो शूट की क्लिप आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है वहां पे हम लोगों ने हमारी लाइट के ऊपर जो है वो एक जो है वो बहुत बड़ा 90 सेंटीमीटर का बॉक्स लगाया था जो की एक ऑक्टा बॉक्स था और उस ऑक्टा बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने दो डिफ्यूजन शीट्स लगाई थी ताकि वो ज्यादा सॉफ्ट लाइट को थ्रो करे सब्जेक्ट के फेस पे और जो हमारा सब्जेक्ट है फ्रेमिंग में वो थोड़ा ज्यादा जो है वो सिनेमैटिक नजर आए जो की लाइट मैंने यूज करी थी वो थी लूपो की मूवी लाइट 300 ये एक बाइकल लाइट है और एडवांटेज ये है कि यू कैन चेंज द कलर इंटेंसिटी सपोज यू वांट टू मेक इट वार्मर यू कैन कंट्रोल दैलविन डिग्री इन दैट लाइट सो ये एक बहुत अच्छा टोनैलिटी इसने जनरेट किया एंड आई रियली लव्ड कि जब मैंने की कीलाई लगाता हूँ तो वो ऑलमोस्ट मेरे सब्जेक्ट को, को 80 परसेंट तक लिटअप कर देती है इन हिंदी फ्रेमिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप सोनी से एसलॉक में शूट करना पसंद करते हैं या एच पिक्चर प्रोफाइल पर शूट करना पसंद करते हैं और उनके लिए एक अच्छी कलर ग्रेडिंग लट्स ढूंढ रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मेरी जो बनाई हुई लट्स हैं एच और एसलॉक के लिए आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो बहुत अमेजिंग लट्स हैं अगर आप एक सिंगल गो में अपनी फुटेज को सिनेमैटिक लुक में कन्वर्ट करना चाहते हैं अच्छी लट्स हैं प्रिसाइजली डिसाइड है प्रिसाइजली डिजाइंड है और जो भी वीडियोज आपने देखे हैं अभी तक उनमें सभी वीडियोज में मैं इन्हीं लट्स को यूज करता हूँ अपनी कलर ग्रेडिंग के लिए दूसरी लाइट हम लोग जो यूज करते हैं वो होती है हमारी फिल लाइट अब फिल लाइट बेसिकली क्या करती है जो की लाइट डालने के बाद से जो अपोजिट डायरेक्शन में फेस के ऊपर जो शेडोज बन रही हैं उसको बेसिकली कट करने के लिए हम लोग जो है वो फिल लाइट का इस्तेमाल करते हैं फिल लाइट हमेशा आपकी की लाइट से 50 परसेंट पावर पे यूज की जाती है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितनी भी फेस पे एडिशनल शेडोज बन रही है अपोजिट डायरेक्शन पे जो लाइट आपने यूज करी थी की लाइट के तौर पर तो उस शेडो को फिल करना इसी पर्पज़ के लिए जो है हम लोग फिल लाइट का यूज़ करते हैं ये काफ़ी अच्छी दिखती है सब्जेक्ट के ऊपर और अफकोर्स जितना भी शेडो वाला पार्ट है जो कि लिट जो कि शेडो वाला पार्ट है उसकी भी रिकवरी कर देती है यहाँ पे हम लोगों ने उसकी रिकवरी करने के लिए टी एल सिक्सटी जो है वो गोडॉक्स की ट्यूबलाइट यूज़ करी थी और उसको जो है वो हमने एज एन फिल लाइट के तौर पे यूज़ किया उसे काफ़ी लेस पावर पे चलाया और सब्जेक्ट के फेस पे थ्रो किया ताकि जो है वो फिलर का, का काम कर सके और सब्जेक्ट के फेस पे से जो है एडिशनल शेडोज को रिकवर कर सके उसके बाद जो तीसरी लाइट हम लोगों ने यूज करी थी दैट इज बैक बैक लाइट अब लाइट का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो उसको हम हेयर लाइट भी बोलते हैं हम लोग उसे बैक लाइट भी बोलते हैं अलग अलग नाम से जानी जाती है बेसिकली बैक लाइट ना तो मैं जनरली इसे बैक लाइट के तौर पर एड्रेस करूंगा तो आपको ईजिली आपको समझ आए अब बैक लाइट का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जब आप बैक लाइट ऑन करोगे तो वो आपके सब्जेक्ट में सी डायमेंशनल स्पेस

एडिशनल एक्सटेंट अपने वीडियो के अंदर फिल करती है बेसिकली ये जितनी भी लाइट यूज मैं आपको बता रहा हूं ये सब बैटरी डिवेंस लाइट है और मैंने इनमें जो है वो वीमॉन बैटरीज को यूज किया था क्योंकि जिस लोकेशन में हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे वहां पे पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं था डेट्स वाई बैटरीज और सबको मैंने वी मॉन बैटरी के साथ में पावर सप्लाई देख करके पावर अप किया था बैक लाइट में जो लाइट यूज करी थी दैट इज वी लाइट की निंजा टेन बी ये एक हंड्रेड एंड ट्वेंटी वॉट की लाइट है ये भी बाय कलर है तो आई कैन चेंज दी कलर इंटेंसिटी डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ माई शूट सो हम जनरली जब इंटरव्यूज या इस टाइप का वीडियो शूट करते हैं तो वी ट्राई टू तो यूज बैक लाइट हमेशा वार्म कलर्स में हो क्योंकि वो सनलाइट को रेप्लीकेट करती है और ज्यादा सिनेमैटिक आपकी फ्रेमिंग को बना देती है और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच गाइड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून एंड कीप शूटिंग